हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपके बर्ड्स भी बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हम सब ने अपने बर्ड्स को रेस्ट पर दिया हुआ है। लेकिन गाइस, अब आने वाले एक या डेढ़ महीने में बारिश का मौसम आने वाला है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे अच्छे अच्छे कलर के पैर बने और उनके अच्छे अच्छे बच्चे निकले। तो गाइस, आप एक काम कर सकते हो कि आपको जो भी कलर के पैर बनवाने हैं उनको अभी से एक अलग केज में रख लो, ताकि आने वाले एक डेढ़ महीने में उनका अच्छे से पैर बन जाए। जैसे गाइस, मैंने यहाँ पर वाइट कलर का ये पैर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। देख सकते हो, केज भी काफ़ी बड़ा दिया है मैंने, क्योंकि इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैर ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से लग गया है। ये जो प्योर वाइट है वो फीमेल है, और जिसके ऊपर आपको ब्लैक कलर के जो मार्क्स दिख रहे हैं वो मेल है। मैं आपको अच्छा सा लुक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत एक्टिव है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे अभी से अलग से पैर लगा देना है, ताकि आने वाले टाइम में जब बारिश का मौसम आए तो आपको सिर्फ मट्टी लगाने की बाकी रहे, ताकि तब आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। देखो, ये अभी एक महीना में इनको प्रॉपर दूंगा, ताकि इनका अच्छे से पैर बन जाए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा माहौल अच्छा होगा, थोड़ी गर्मी ओछी होगी, तो सीधे से मैं फिर इनको मट्टी प्रोवाइड कर दूंगा और ये बहुत अच्छे से ब्रीडिंग भी कर लेंगे। यहाँ पर और भी सारे बजीस है गाइस मेरे, जो अभी रेस्ट पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए मैंने इनको सॉफ्ट फूड दिया है। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट फूड खाते हैं मेरे बजीस। गऊ और जो चने होते हैं काले, उनको मैंने उसका छिलका निकाल कर दिया है। देख सकते हो गाइस, कितने अच्छे से ये अपना सॉफ्ट फूड एंजॉय कर रहे हैं। और आगे के आने वाले टाइम में जो भी ब्रीडिंग प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। गाइस देखिए, ये एक पैर है जो अभी से बना हुआ है, लेकिन मैं अभी इसको अलग नहीं करने वाला हूँ। चलिए गाइस, मैं आपको और मेरे बजट दिखा देता हूँ। गाइस, एक और ये पैर है, ये पैर भी मैंने अभी से अलग कर लिया है। गाइस, आप इसकी साइज देख सकते हो, इनका कलर देख सकते हो, बिल्कुल नेचुरल कलर है। मैंने कोई भी इसमें फिल्टर का यूज़ नहीं किया हुआ है। और गाइस, आप अभी के टाइम में आप इनको मल्टी विटामिन दे सकते हो। मैं भी आज दिया है, मैं आपको कौन सा देता हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, क्या कलर है। एक ये पैर है, इसको भी मैंने अभी से अलग कर लिया है, आप देख सकते हो। ये मेल है, क्या खूबसूरत कलर है। देखिए, मैं आपको ऊपर का इसका लुक दिखाता हूँ, वाइट और ब्लू। और इसकी जो फीमेल है वो ये रही, ये फीमेल है। ये मैंने इसका पैर लगाया है और ये भी मैंने इनको राइट दिया हुआ है, उबला हुआ। इसके साथ ये गाइस, ये पैर देखिए, ये जो ब्लू वाली है ये इसकी फीमेल है, और ये येलो ये मेल है। और इनका लास्ट क्लच जो मैंने लिया था उनसे ये बच्चे निकले हुए, तकरीबन 6 बच्चे थे, 3 वाइट 2 येलो और एक ये बच्चा। देखिए गाइस, इसका कलर कितना खूबसूरत है। और ये देखिए, ये बच्चे और ये वाइट बच्चा, मुझे वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फिंच है जिसका अभी नेस्टिंग हो गया है, बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। फिंच में गाइस, आप देख सकते हो कि मेल फीमेल कंफर्म करना बहुत आसान होता है। ये जिसके चिक्स पे टपका होता है इसका ब्लैक चिक्स फिंच बोलते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। इसकी चोंच पर से भी आप पता लगा सकते हो, मेल की डार्क होगी और फीमेल की लाइट होगी। यहाँ पर वाइट का एक पैर है गाइस, आप देख सकते हो, इसने भी बहुत अच्छे से नेस्टिंग कर लिया है और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको एक अच्छा सा लुक दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइस, ये लोग नेस्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ पर एक और पैर है, देखिए यहाँ पर वाइट का मेल है और ये फीमेल है। हाँ गाइस देखिए, इसने भी नेस्टिंग कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लव बर्ड्स है मेरे, जो आप देख सकते हो, ये मेरे यहाँ की ही ब्रीड है। ये मेरा कॉकाटेल, देख सकते हो गाइस, कितनी अच्छी इसका कलर और साइज़ है। यहाँ पर लव बर्ड और एक फिंच है, ये लव बर्ड की कंफर्म पैर है गाइस। ये जो बच्चे आपने पहले देखे ये इन्हीं के बच्चे हैं। यहाँ पर एक और पैर है, ये आप देख सकते हो, लुटिनो का मेल है और अल्बिन सॉरी पल का फीमेल है। और यहाँ पर एक और पैर है चारकोल की, ये मेल और ये फीमेल। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।